हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी नई कक्षा में। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत विषय की, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज फिर उपस्थित हैं हम लोग। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं ये बताना है। विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण, 10, 8, 4, 3। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 10। साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद मिलते हैं। चलिए हम कुछ प्रश्न जो इससे संबंधित आते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। साहित्य दर्पण की तरह ही बाकी जो रचनाएं हैं, जैसे एक महत्वपूर्ण रचना है काव्य प्रकाश। कौन सी है? काव्य प्रकाश, यह है मम्मट की रचना। इसमें पूछे जाते हैं कि इसमें कितने उल्लास हैं, अध्यायों को इसमें उल्लास बोला गया है, तो इसमें भी 10 उल्लास है। कितने हैं? 10 उल्लास। हम एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न समाहित करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। एक है चंद्रलोक, चंद्रलोक है ये किसकी है? जयदेव की रचना है ये, और इसमें भी 10 अध्याय मिलते हैं जिनको मयूख कहते हैं। मयूख, 10 मयूख। कई प्रश्न बनेंगे। देखो, काव्य प्रकाश के अध्यायों को किस नाम से बुलाया जाता है? उल्लास, ये भी पूछा जाता है। चंद्रलोक के अध्यायों को क्या कहा जाता है? मयूख, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इन दोनों में कितने उल्लास या मयूख है? 10-10 है। साहित्य दर्पण में भी 10 है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक है राज तरंगिणी। क्या है? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी में 8 तरंग है। क्या है? तरंग। इसमें अध्यायों को तरंग कहा गया है। फिर एक है 10 रूपक। क्या है? 10 रूपक। 10 रूपक में 4 प्रकाश बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? 4 प्रकाश, या अध्यायों को प्रकाश कहा गया है। 10 रूपक किसकी है? धनंजय की है। राज तरंगिणी किसकी है? कल्लण की है। किसकी है? कल्लण की। 10 रूपक किसकी है? धनंजय की। एक प्रश्न से हम बहुत सारे प्रश्न कवर कर रहे हैं, देख लीजिए आप। और ये प्रश्न पूछे भी गए हैं ज्यादातर परीक्षाओं में, उन्हीं को हमने उठाया है। एक है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक में कितने अध्याय हैं? 4 हैं, जिनको उद्योत के नाम से बुलाया जाता है। 4 उद्योत हैं, अध्यायों को उद्योत कहा गया है यहां पर। और ये किसकी रचना है? आनंद वर्धन की है। किसकी है? आनंद वर्धन की। आनंद वर्धन की रचना है। इसी तरह एक है काव्यादर्श। क्या है? काव्यादर्श है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये भी। ये दंडी की है। किसकी है? दंडी की। और इसमें 3 परिच्छेद हैं। कितने हैं? 3 परिच्छेद। तो इस तरह से आप देखिए, एक प्रश्न के माध्यम से हमने कितने प्रश्नों की चर्चा की है, और एक ना एक प्रश्न आपकी हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा है? कई बार परीक्षाओं में आया है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, मम्मट, जगन्नाथ, विश्वनाथ या आनंद वर्धन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विश्वनाथ। साहित्य दर्पण से ही हमारा पहला प्रश्न था, दूसरा भी हमारा साहित्य दर्पण से ही है। विश्वनाथ की जो रचना है साहित्य दर्पण, पिछले प्रश्न में हमने डिस्कस किया, जिसमें 10 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 10 अध्याय, जिनको परिच्छेद के नाम से जाना जाता है। उसमें इन्होंने लिखा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। क्या कहा है? रसात्मक जो वाक्य है उसी को ही काव्य कहते हैं। रसात्मक जो वाक्य है उसको क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। बाकी जो अन्य आचार्य हैं उनके काव्य लक्षण देख लेते हैं। यहां पर मम्मट जी हैं जिन्होंने काव्य प्रकाश की रचना की। इसमें इन्होंने तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणा मनलंकृति पुनः क्वापि अपना काव्य लक्षण दिया। तद्दोषौ शब्दार्थौ, तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणा पुनलंकृति पुनः क्वापि ये काव्य लक्षण दिया। सगुणा वनलंकृति पुनः
क्वापि, पुनः शब्द यहाँ पर आ गया, तद्दोषम शब्दार्थम सगुणा पुनलंकृति क्वापि, किसका लक्षण है? काव्य प्रकाश में मम्मट जी ने दिया। जगन्नाथ के काव्य लक्षण की बात करें, जगन्नाथ ने कहा है रमणीयार्थ, जगन्नाथ इन्होंने कहा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द, रमणीयार्थ प्रतिपादक रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, इन्होंने रमणीय शब्द को काव्य कहा, रमणीयार्थ रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द है उसको इन्होंने काव्य कहा। किन्होंने कहा? जगन्नाथ ने। विश्वनाथ का हमने बताया दिया। आनंद वर्धन क्या कहते हैं? इन्होंने ध्वन्यालोक लिखी है। आनंद वर्धन ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? ध्वन्यालोक, जिसमें चार उद्योत है, हमने पिछले प्रश्न में बताया। इनका है काव्य सात्मा ध्वनि। क्या कहते हैं ये? काव्य सात्मा ध्वनि, काव्य सात्मा ध्वनि, इसकी चर्चा करते हैं। काव्य की आत्मा किसे कहा है? इन्होंने ध्वनि को कहा है। तो इस प्रकार ये चारों आचार्यों ने अपने अपने काव्य लक्षण दिए हैं। इस प्रकार बहुत सारे शब्दार्थों सहित काव्य, शब्दार्थों ये भी कई बार पूछा गया है, शब्दार्थों सहित काव्यम, ये किनका है? ये भामह का है, भामह जी का है, ये भामह का, भामह ने कहा है शब्दार्थों सहित काव्यम, शब्द और अर्थ दोनों के सहभाव को इन्होंने काव्य माना है। इस प्रकार वामन का आपने सुना हुआ रीतिरात्मा काव्य से कहा है उन्होंने, रीतिरात्मा। और जो क्या नाम है, वक्रोक्ति जीवितकार कुंतक ने, उन्होंने वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा कहा है, वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम कहा है उन्होंने। इस प्रकार भिन्न भिन्न आचार्यों ने अपने अपने काव्य लक्षण दिए हैं। और महत्वपूर्ण जो पूछे जाते हैं रमणीयार्थ एक दंडे का भी काव्य लक्षण है, जो कई बार पूछा गया है काव्यदर्श में, उन्होंने कहा है शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। क्या कहा है? शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली शब्द को उन्होंने काव्य कहा है। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न आचार्यों ने अपने काव्य लक्षणों का प्रतिपादन किया है। मुझे उम्मीद है बहुत सारे प्रश्न आपको यहां पर सीखने को मिले होंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक कौन है? उत्पत्तिवाद के भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक या अभिनव गुप्त? ऑप्शन देख लीजिए, अगर इनका उत्तर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। इसका जो सही उत्तर है वो है भट्टलोलट। उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक कौन है? भट्टलोलट। देखो ये जो चर्चा है आपको काव्य प्रकाश, जो कि मम्मटाचार्य की रचना है, उसमें चतुर्थ उल्लास में यह मिलेगा आपको। दस उल्लास हमने पहले ही चर्चा कर ली है, तो दस उल्लासों में जो चतुर्थ उल्लास है उसमें इन्होंने जो निष्पत्ति शब्द है उसका यहां पर चर्चा करते हुए इस पे चर्चा की है कि जो निष्पत्ति शब्द है उनका भिन्न भिन्न आचार्यों ने क्या क्या अर्थ लगाया है। तो जो भट्टलोलट है ये निष्पत्ति का रसोत्पत्ति जो होती है उसको उत्पत्तिवाद में लेते हैं, उत्पाद्य उत्पादक भाव से उत्पत्तिवाद को मानते हैं। इनकी जो पहले हम भट्टलोलट की चर्चा कर रहे हैं, ये नवम शताब्दी के आचार्य हैं। कौन सी शताब्दी है इनकी? नवम शताब्दी। और इन्होंने उत्पाद्य उत्पादक भाव से यह किया है। और जो मीमांसा दर्शन है, मीमांसक कह सकते हैं हम इनको, मीमांसा दर्शन के आधार पर इन्होंने उत्पत्तिवाद की चर्चा की है। क्लियर है ये पहला। उसके बाद हम लेते हैं शंकुक को। शंकुक जो है वो ये कहते हैं कि ये अनुमितिवाद मानते हैं। ये कौन सा मानते हैं? अनुमितिवाद, न्याय दर्शन के आधार पर। ये प्रश्न भी आ जाता है कई बार, किस दर्शन को लेके ये चर्चा कर रहे हैं। तो शंकुक जो है वो अनुमिति कहते हैं, अनुमितिवाद को अनुमाप्य अनुमामक मापक भाव से ये करते हैं। इनका भी जो समय है वो नवम शताब्दी है। क्या है? नवम शताब्दी क्या समय है शंकुक का। फिर लेते हैं हम भट्टनायक को। भट्टनायक कहते हैं भुक्तिवाद को मानते हैं। किसको मानते हैं ये? भुक्तिवाद, भुक्ति, भोज्य भोजक भाव से। तो इनकी जो इनका जो समय है भट्टनायक का, इनका दसवीं शताब्दी है। कौन सी शताब्दी है? दसवीं शताब्दी। तो ये भुक्तिवाद जैसे सांख्य दर्शन के आधार पर, ठीक है ना। और अब रह गए हमारे अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त कहते हैं अभिव्यक्तिवाद को मानते हैं। अभी से आपको याद रहेगा ये अभिव्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, ठीक है। इनको ग्यारहवीं शताब्दी का पूर्वार्ध,
ग्यारहवीं शताब्दी का पूर्वार्ध मानते हैं, ग्यारहवीं शताब्दी का पूर्वार्ध, दसवीं शताब्दी, ग्यारहवीं शताब्दी का स्टार्टिंग भी इन्हीं को, इनको भी माना जाता है। और अभिनव गुप्त जो है वो ग्यारहवीं शताब्दी के आचार्य, अभिव्यक्तिवाद और ये वेदांत दर्शन जो है हमारा, वेदांत दर्शन के आधार पर अभिव्यक्ति, जैसे अभिव्यक्त होती है ना कोई चीज, तो उस आधार पर ये निष्पत्ति शब्द को लेते हैं। तो इस प्रकार ये चारों आचार्यों की चर्चा काव्य प्रकाश को, काव्य प्रकाश में आपको चतुर्थ उल्लास में मिलेंगे। तो ये प्रश्न आ जाता है उत्पत्तिवाद भट्टलोलक, शंकुक अनुमितिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद, ये चारों वाद जो है भिन्न भिन्न आचार्यों के साथ मिले हुए, किस किस दर्शन के आधार पर इन्होंने किया है वो भी बता दिया है, इनका समय कौन सा ये भी हमने इस प्रश्न में चर्चा की। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, विश्वनाथ में काव्य का लक्षण किस परिच्छेद में दिया है, विश्वनाथ जी ने काव्य का लक्षण किस परिच्छेद में दिया है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, दस परिच्छेद है उनमें से कौन से परिच्छेद में काव्य का लक्षण दिया हुआ है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम जो इन्होंने कहा है किसमें कहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रथम, पहले वाले परिच्छेद में, पहले परिच्छेद में इन्होंने काव्य का स्वरूप दिया है। पहले ऑप्शन से देख लेते हैं हम, द्वितीय जो ऑप्शन दिया हुआ है दूसरे ऑप्शन में वो वाक्य स्वरूप का निरूपण करते हैं, क्या करते हैं, वाक्य स्वरूप का निरूपण, वाक्य स्वरूप का निरूपण करते हैं। तृतीय की बात करें तो रसादि निरूपण, क्या करते हैं, रसादि निरूपण, रसादि के बारे में बताया जाता है तृतीय में। चतुर्थ में क्या बात करते हैं वो, चतुर्थ में ध्वनि गुणी भूत व्यंग्य, ध्वनि गुणी भूत व्यंग्य की चर्चा करते हैं वो। तो ये चारों परिच्छेद हैं जिसमें उन्होंने पहले में काव्य का लक्षण, दूसरे में वाक्य के स्वरूप का निरूपण, तीसरे में रसादी का निरूपण, चतुर्थ में ध्वनि गुणी भूत व्यंग्य का। बाकी अध्याय की भी बात कर लेते हैं, जो पांचवा परिच्छेद है, पांचवें परिच्छेद में वो क्या करते हैं, व्यंजना वृत्ति, किसकी चर्चा करते हैं, व्यंजना वृत्ति की, ये प्रश्न आते हैं। छठे परिच्छेद की बात करें तो छठे परिच्छेद में वो दृश्य श्रव्य काव्य का निरूपण करते हैं, दृश्य श्रव्य काव्य, काव्य के बारे में चर्चा करते हैं छठे में। सातवें की बात करें तो सातवें में दोष निरूपण, क्या करते हैं, चर्चा दोष निरूपण की सातवें में। आठवें की बात करें गुण निरूपण, दोष के बाद किसकी चर्चा करेंगे, गुणों के बारे में। नौवें की बात करें तो नौवें में ये रीति की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, चर्चा रीति की। और जो दसवां और अंतिम परिच्छेद है उसमें अलंकारों की चर्चा करते हैं, ये शब्द और अर्थालंकार जो इन्होंने बताए हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो क्लियर है ये दशों के दशों जो अध्याय हैं, परिच्छेद हैं, उसमें इन्होंने किस किस की चर्चा की है उस पर हमने डिस्कस किया। अगर कहें तो ये एक तरह से 10 प्रश्न हैं जिनकी चर्चा हमने एक प्रश्न के माध्यम से की है। तो इस प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हम प्रतिदिन इस तरह के टीजीटी पीजीटी की अभी तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्न हम प्रतिदिन लेकर आ रहे हैं जिसमें हम एक प्रश्न के माध्यम से जो कि कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछा गया है उसको माध्यम बनाकर हम आसपास के काफी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।